हे गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। होप करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो गाइज़ यार, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये तो थंबनेल और टाइटल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि भाई ये मैं किस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का वैसे कोई पर्पज़ नहीं था, बट हाँ, मैंने देखा कि भाई काफ़ी सारे लोग बना रहे इस चीज़ को लेकर। पता है आप लोग को तो पता ही होगा कि सौरभ जोशी का जो कॉलोनी है, ओलिविया कॉलोनी जो हल्द्वानी में, वहाँ पर उनके घर वर पर चोरी वोरी हो गया। तो चोरी वगैरह हो गया, ऐसा कुछ सीन हुआ है। अभी मेरे को पूरी चीज़ पता नहीं है, वैसे जैसे चीज़ पता चलती है तो मैं अपने चैनल पे उस चीज़ को शेयर करूँगा। वैसे सौरभ जोशी भी अपनी तरफ से एक अपना ऑफिशियल एक व्लॉग लाएंगे ही, वो तो है, ये कल या परसों फिर में आ जाएगा उनका एक ऑफिशियल सा व्लॉग जिसमें वो सारी जानकारी दे देंगे। बाकी वहाँ की पुलिस वगैरह सारी चीज़ इन लोग को ढूंढ ढूंढ रही है भाई कौन चोर था कैसे। असल में ना उनकी जो पूरी की पूरी फैमिली थी, वो पूरी फैमिली उनकी गई हुई थी गाँव कौसानी, जो उनका उत्तराखंड में जो गाँव है ना, वहाँ पर वो लोग काफ़ी दिनों से गए हुए थे। तो सारी फैमिली गई हुई थी, इवन ओरियो चाचा चाची सब गए हुए थे। नहीं तो कभी कभी इनके चाचा चाची रहते थे और बाकी सब लोग जाते थे। आज ऐसा हुआ कि उनके सारे लोग गए थे, घर पे कोई नहीं था, ताला बंद था। तो पीछे पीछे से वो खिड़की वगैरह तोड़ के या फिर ऐसा कुछ सीन हुआ जो उनके घर पे आके चोरी वोरी कर लिए गए। तो फिलहाल अभी सौरभ भाई और भी उनके फैमिली वगैरह जो जितने भी पर्सन हैं वो सारे लोग वहाँ पर आ गए। मेरी एक बात हुई वहीं पर, एक रहते हैं एक, तो उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हाँ पेपर वेपर में भी छपा था इस बारे में, और वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग तो शौक हो गए क्योंकि सिक्योरिटी पूरी रहती है उनके सोसाइटी में, कोई भी नहीं जा पाता है, बट चोर गए भाई। चोरों का तो दिमाग होता ही भाई उस टाइप का। सो बस मैं इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर आज ये व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग क्या, बस एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रहा हूँ कि भाइयों कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ, सेफ जाया करो घर पे, मतलब घर पे कोई ना कोई तो रहा करो क्योंकि घर में फिर चोरी वगैरह हो जाती है। सौरभ जोशी का ना मेरे हिसाब से उनके रूम में ही चोरी हुआ है, तो मेनली बहुत चीज़ चोरी हुआ होगा अराउंड, मेरे को तो लग रहा है ऐसा। उनके पापा बोल रहे थे 1.5 लाख रुपये कैश और भी मतलब कुछ सामान वामान गायब हुआ है। वो तो सौरभ भाई आएंगे तभी पता चलेगा कि उनके रूम से क्या क्या गायब हुआ है, क्योंकि उनका ना इनका महंगा महंगा कैमरा, उनका गोप्रो, उनका सेटअप, उनका मैकबुक, आईफोन, फ़ोन, पीसी, पीयूष जोशी का पीसी, भाई बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो फिलहाल गाइस आज के इस ब्लॉग को बस मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि बस एक इन्फॉर्मेशन देना था मेरे को और वो मैंने दे दिया आपको इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग तो अपना फैमिली ब्लॉग तो चलता ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी द नेक्स्ट ब्लॉग।